हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हम आपको अक्सर बस जर्नीज पर ले जाते रहते हैं, पर आज पहली बार आपको ट्रायल रन पर लेकर चलते हैं। ट्रायल रन यानी रेगुलर बस सर्विस शुरू करने से पहले एक सड़क निरीक्षण किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि रोज़ बस भेजा जाना यहाँ के लिए सेफ है या नहीं। और आज का रूट भी बेहद ख़ास है, कुल्लू मनाली से काजा तक। जी हाँ दोस्तों, कुल्लू मनाली से स्पीति घाटी में काजा को जोड़ने वाला रोड बेहद चैलेंजिंग रोड है, स्पेशली बस के लिए। सीजनल रूट होने की वजह से हर साल बर्फ़ और लैंडस्लाइड से इसकी कंडीशन बदल जाती है, इसलिए इस रूट पर बस सर्विस शुरू करने से पहले HRTC को एक बार ट्रायल करके देखना पड़ता है और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ये रोड बस चलाने योग्य है भी या नहीं। सर्दियों में ये सड़क बंद हो जाती है और स्पीति से लाहौल या मनाली के बीच संपर्क पूरी तरह से कट जाता है, लेकिन फिर गर्मियों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो BRO इस रोड को वाहनों के लिए खोलता है। इस रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट है कुंजुम पास, जो कि 4,590 मीटर की ऊंचाई पर है। यही पास स्पीति और लाहौल को आपस में जोड़ता है। स्पीति घाटी के लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी HRTC की ये बस काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, जिससे कि वो सस्ते में मनाली से काजा का सफ़र तय कर पाते हैं। बाकी इस रूट व रोड की सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे HRTC की ये बस इस मुश्किल सड़क पर अपना सफ़र तय करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज है 3 जुलाई और हम हैं केलांग में। कुल्लू से काजा तक चलने वाली HRTC बस केलांग डिपो द्वारा चलाई जाती है और आज पहला दिन है, इसलिए ट्रायल के लिए बस केलांग से ही काजा तक जाएगी। सुबह के 6 बज रहे हैं और काजा जाने के लिए बस HP 42 2055 तैयार है। आज पहले दिन बस में 2 स्टाफ मेंबर्स यानी ड्राइवर और कंडक्टर और एक इंस्पेक्टर जाएंगे। इसके अलावा मैं और 2-4 सवारियाँ यहाँ पर और हैं जो कि इस बस में काजा का सफ़र करेंगी। हालांकि सबको बता दिया गया है कि अगर मान लो सड़क में कोई दिक्कत आती है या किसी कारण बस काजा नहीं पहुंच पाई तो बस को वापस केलांग लाया जाएगा। केलांग डिपो की नवनियुक्त RM साहिबा राधा देवी जी भी यहां पर पहुंची हैं, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। देखती हैं, लोगों की बड़े टाइम से डिमांड थी कि काजा की बस शुरू की जाए आज। ये तो ठीक है, हम पहले भी चलाना चाहते थे इसको, मगर जो रोड की कंडीशन थी ना वो ठीक नहीं थी। हाँ जी, जिस वजह से हम थोड़ा डिले हो गए। अब आज फिर अच्छा, आज पहले दिन निरीक्षण किया जाएगा सड़क का कि बस सही से पहुंच पाती है। जी, जी। और फिर अगर ये सही रहता है ट्रायल तो कब से बस तो शुरू हो जाएगी? कल से शुरू कर देंगे इसका। अच्छा, कल से शुरू कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी निकलते हैं हम काजा के सफर पर। आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार JKSRTC ने भी केलांग से लेह के बीच रेगुलर बस सर्विस शुरू कर दी है, तो अब HRTC के अलावा JKSRTC और हिमाचल टूरिज्म की डीलक्स बस को मिलाकर कुल 3 बसें यहां से लेह जाती हैं। इसके बाद फिर 6:30 बजे हमारी बस केलांग से निकल गई काजा के सफ़र पर। केलांग से चलकर हम सिसु अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल, ग्रामफू, छतड़ू, छोटा दड़ा, बातल, कुंजुम पास और लोसर से होते हुए काजा पहुंचेंगे। कुल्लू से काजा बस की टाइमिंग्स और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आज मौसम एकदम साफ है, जो कि इस ट्रायल रन के लिए अच्छी बात है। वैसे नॉर्मली ये बस सर्विस जून मंथ में शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार काफ़ी डिले हो गया क्योंकि लगातार बारिश होती रही और रोड कंडीशन सही नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में BRO ने HRTC को रोड क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया है, तो आज इस बस का ट्रायल किया जा रहा है। केलांग से यहाँ तक हम भागा नदी के किनारे आए हैं, लेकिन अभी तांदी संगम के बाद हम चंद्रा नदी की तरफ जाएंगे और इसी नदी के साथ साथ हम बातल तक पहुँचेंगे।
जल्दी ही हम सिसु पहुंच गए और सामने ये सिसु का वाटरफॉल है। आजकल गर्मियों और बरसात के मौसम में इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसके बाद फिर हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंच गए। हमें अभी यहां से सीधा कोकसर की तरफ जाना है। बस जब रेगुलर रूट पर कुल्लू मनाली से काजा आने लगेगी तो यहां नॉर्थ पोर्टल से वो राइट टर्न लिया करेगी। आजकल यहाँ लाहौल के किसान अपने खेतों में बिजी रहते हैं क्योंकि यहाँ सब्जियों की पैदावार सिर्फ इसी मौसम में होती हैं। सर्दियों में तो यहाँ फिर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इसके बाद जल्दी ही हम पहुंच गए कोकसर और यहां पर बस की एंट्री करवानी होती है। इसके बाद फिर हम कोकसर से ग्राम्फू की तरफ बढ़ गए। ग्राम्फू होते हुए ये रोड आगे रोहतांग पास और फिर गुलाबा होते हुए मनाली तक जाता है, तो एक तरह से ये रोहतांग सर्किट हो जाता है जिसमें आप मनाली से सोलंग नाला, अटल टनल और रोहतांग पास घूमकर वापस मनाली पहुंच जाते हैं। हम ग्राम्फू तक इस रोड पर जाएंगे और फिर उसके बाद काजा वाले रोड पर मुड़ जाएंगे। ये रोड जहां एकदम पक्का है वहीं वो रोड तो बस नाम का ही रोड है। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए ग्राम्फू। यहां से अब हमें NH 505 पर डाइवर्ट होना है और आप रोड की हालत तो यहां से देख ही सकते हैं। लोसर तक करीब 80 किलोमीटर का ये स्ट्रेच पूरी तरह कच्चा है। और हमारी बस है भी खाली तो एकदम उछलते हुए जा रही है। सवारियों से भरी बस वजन की वजह से थोड़ा कम उछलती है।
कहने को तो ये नेशनल हाईवे है, मगर इस सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। ग्रामफू से लोसर तक का ये 80 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरी तरह कच्चा है। इस रोड पर स्पीड भी 10 से 15 किलोमीटर पर आर की रहती है। स्पीति घाटी के साथ साथ ये रोड चंद्रताल जाने का भी मेन रोड है। मैक्सिमम लोग स्पीति सर्किट करते हैं, जिसमें वो मनाली से जाकर शिमला साइड से वापस आते हैं या फिर इससे अपोजिट। पर ये मनाली लोसर रोड तो जैसे आप देख ही सकते हैं कि बस नाम का ही रोड है, और बरसात आएगी तो इस कच्चे रास्ते को नुकसान भी बहुत होता है। शिमला काजा रोड जहाँ लगभग पूरा साल खुला रहता है, वहीं मनाली से काजा का रोड जून में खुलता है और अक्टूबर तक बंद हो जाता है। चंद्र नदी आजकल पूरे उफान पर है। गर्मियों और बरसात में पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने लगती है, इसीलिए नदी में पानी का फ्लो भी बढ़ जाता है। ये नदी अपने साथ बड़ी मात्रा में रेत व पत्थर भी बहाकर ले जाती है, और हम भी इसी चंद्र नदी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। इस सड़क पर यात्रा करते हुए आपको कई छोटे बड़े झरने बहते दिखाई देंगे। बाकी आसपास की हरियाली व सुंदर वातावरण के तो क्या ही कहने। हालांकि इस रूट का लाहौल घाटी का ये एरिया ही ऐसा हरा भरा है। अब जैसे जैसे आप स्पीति की तरफ बढ़ते जाएंगे, वेजिटेशन और ग्रीनरी कम होती जाएगी। और हमारी बस आज 8 महीने के बाद काजा जा रही है। वैसे HRTC द्वारा जून महीने से ही इस रूट पर बस शुरू करने की योजना थी, मगर बीच में एक दो नाले ऐसे थे जहां बाढ़ आ जाने से मलबा रोड पर आकर बिखर जाता था, जिसकी वजह से छोटे वाहन भी वहां पर फंस जाते थे या बड़ी मुश्किल से निकल पाते थे। ऐसे में बस के शुरू होने में देरी हो गई, लेकिन आज तो लगता है कि बस काजा पहुँच ही जाएगी।
रोड तो चलो जैसा मर्जी हो, पर ये आसपास के नज़ारे हैं जो आपको पल भर के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। हालांकि हिचकोले खाती बस में आपकी बॉडी का एक एक पार्ट हिल जाएगा। ग्रामफू से छतड़ू के बीच ऐसे कई नाले आते हैं जहां बस को पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। अभी तो इन नालों में पानी कम है, पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये नाले उफान पर आ जाते हैं। बस के लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, पर छोटी गाड़ियों को कई बार पानी का बहाव कम होने तक वेट करना पड़ता है। और हमारे इंस्पेक्टर दिलीप कुमार जी सफर का मजा ले रहे हैं। छतड़ू से थोड़ा पहले फिर यहाँ पर बस रास्ता भटक गई। दरअसल रास्ता तो सारा कच्चा ही है और यहाँ दो तीन अलग अलग रास्ते बने हुए थे। एक में था गहरा पानी और दूसरे में थे बड़े बड़े पत्थर। तो ऐसे में पहले हम गलत डगर पर चले गए, लेकिन फिर सही रास्ते का पता चल गया। तो इस तरह यहाँ कई बार होता है कि एक साथ दो तीन रास्ते डाइवर्ट होते हैं। हालाँकि सब आगे जाकर मिल जाते हैं, लेकिन सही और सेफ रास्ते से जाना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये पुल पार करके हम चंद्रा नदी के उस तरफ आ गए। और यहाँ छतड़ू में एक ढाबे पर हमारी बस चाय नाश्ते के लिए रुक गई। कुल्लू काजा रूट की बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट यहीं पर होता है। ये है चंद्र ढाबा, जहाँ पर बस खाने के लिए रुकी है और यहाँ पर सबने बैठकर ब्रेकफास्ट किया। छतड़ू इस रोड का एक हॉल्ट पॉइंट है, जहां आसपास कई कैंपसाइट्स और खाने पीने की शॉप्स हैं, तो आप यहां पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो यहां पर 20-25 मिनट रुकने के बाद बस आगे चल पड़ी। छतड़ू तक हमने इस रोड का पहला पड़ाव पार कर लिया है।
अब अगला पड़ाव होगा बादल। वहाँ तक डिस्टेंस करीब 30 किलोमीटर है, लेकिन इसमें करीब 3 घंटे का समय लग जाता है। फिर ये गद्दी भाइयों की भेड़ों के झुंड मिल गए। ज़्यादातर गद्दी लोग मिड हिमाचल यानी चंबा, कांगड़ा या मंडी ज़िलों से ही होते हैं। आजकल गर्मियों के दिनों में ये इन घाटियों का रुख करते हैं। मेरा तो मानना है कि सबसे सुंदर जगहों पर ये गद्दी लोग ही पहुंचते हैं, और उन ऊंचाइयों पर सर्वाइव करना भी इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कम्युनिटी टैब में जब हमने इस रूट की पोस्ट डाली थी तो एक कमेंट आया था कि 50 साल से ये रोड ऐसा ही है। 50 साल का तो पता नहीं, पर 12-15 साल पहले जब हमने पहली बार यहाँ सफ़र किया था, तब से अब तक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। वैसे देखा जाए तो इस ग्राम्फू काजा रोड को पक्का करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। पांगी और किन्नौर घाटी के रूट्स की तरह यहाँ का लैंडस्केप उतना चैलेंजिंग नहीं है कि बड़े बड़े पहाड़ काट कर रोड बनाना है। कुंजुम पास की चढ़ाई या छोटा दड़ा के आगे कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए जाएं तो सारा रास्ता ऑलमोस्ट प्लेन है। बस दिक्कत है तो यहाँ पथरीले रास्ते की, जिसे पक्का कर देना चाहिए। ये सड़क है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधीन, लेकिन ये रोड उनकी प्रायोरिटी पर इसीलिए नहीं है क्योंकि ये हिमाचल के अंदरूनी हिस्से में है, यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की ओर नहीं जाता। किन्नौर से स्पीति का रोड अब अच्छा बन गया है क्योंकि वो रोड तिब्बत सीमा को जोड़ता है, इसलिए वो BRO की प्रायोरिटी में था। पर काफ़ी सालों के बाद अब इस रोड को पक्का करने की कवायद भी BRO ने शुरू कर दी है, और अब देखते हैं कि ये कब तक पक्का बनता है। हालांकि कच्चा और ख़राब रोड होने की वजह से मनाली से काजा का ये रूट ऑफ रोडिंग करने के शौकीन पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। यहाँ अधिकतर लोग ऑफ रोडिंग के मज़े लेने आते हैं, और उनके लिए ये एक एडवेंचर भी हो जाता है। हालांकि यहाँ के लिए गाड़ी अच्छी कंडीशन में होनी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर टोइंग वैन मंगवाने के लिए भी यहाँ पर कई दिन लग सकते हैं। और यहाँ पर आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आगे से आ रही गाड़ी को पास देने के लिए अपनी गाड़ी को काफ़ी पीछे तक ले जाना पड़ता है। वहीं गड्ढों भरी इस सड़क पर सही जगह से गाड़ी निकालने का अभ्यास होना भी ज़रूरी है। Thank you.
दोस्तों, आप में से कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या यहाँ पर स्विफ्ट या वैगनर जैसी छोटी गाड़ियों के साथ आ सकते हैं, तो कुछ हद तक ये ड्राइवर पर भी डिपेंड करता है। बाकी कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों के साथ दिक्कत ये भी रहती है कि आपका पूरा ध्यान बस गाड़ी को बचाने में ही निकल जाता है, लेकिन उस सब का भी अपना ही मज़ा होता है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों के साथ आप थोड़ा ईजिली निकल सकते हैं। शानदार पानी है। और ऐसे सड़क पर बहता पानी अपने साथ कई बार कोई बड़ा पत्थर भी बहा ले आता है और पानी में आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, तो ऐसे पॉइंट छोटी गाड़ियों के लिए रिस्की भी हो जाते हैं। फिर हम पहुंचे छोटा दड़ा। यहाँ छोटा दड़ा में HP PWD का गेस्ट हाउस भी है। इसके बाद आते हैं इस रोड के कुछ तंग पॉइंट्स, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर रोड बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ है बड़ी बड़ी चट्टानें और चंद्रा नदी भी ठीक नीचे बहती है, वरना बाकी तो यहाँ तक कोई टफ टेरेन नहीं है। और ये नाला आजकल इस रोड का सबसे ख़राब पॉइंट बना हुआ है। यहाँ अचानक से काफ़ी पानी आ जाता है और साथ में मिट्टी और पत्थर सड़क पर बिखर जाते हैं, जिससे कई छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती हैं। अक्सर ये नाले दोपहर के बाद ही उफान पर आते हैं, तो सुबह सुबह यहाँ से निकल जाना सही रहता है। यहाँ पर ये वर्कर्स सड़क पर मिट्टी डालकर इसे थोड़ा स्मूथ कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत तो बस सड़क पर पड़े हुए पत्थरों की ही है। और यहाँ पर बस को कुछ देर के लिए वेट करना पड़ा। और सामने उस घाटी में है बड़ा शिग्री ग्लेशियर, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
अभी हम पहुंचने वाले हैं बातल, और यहाँ चंद्रा नदी सड़क के एकदम साथ साथ बहती है। सड़क भी यहाँ पर थोड़ी तंग है। फिर करीब 12:30 बजे हम बातल पहुंच गए। यहां बातल में चाचा चाची के फेमस ढाबे पर हमारा लंच ब्रेक होगा। आज ट्रायल के लिए आई बस को देखकर चाचा चाची दोनों काफ़ी खुश हुए, और उन्होंने बताया कि वो तो कब से वेट कर रहे थे कि बस अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई। नमस्ते जी, कैसे हैं? ठीक ठाक? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया होना चाहिए बस। यहाँ पहुँचे स्टाफ मेंबर्स की उन्होंने खूब आवभगत की और सबको स्वादिष्ट व गर्मा गर्म खाना परोसा गया। ये चाचा चाची अपने ढाबे के स्वादिष्ट खाने के लिए तो फेमस हैं ही, साथ में यहाँ पर कभी मुश्किल परिस्थितियों में जब कोई सैलानी फंस जाते हैं तब उनकी मदद के लिए भी ये हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी किसी भी तरह की मदद पहुँचना आसान नहीं है। बेसिकली ये दोनों चाचा और चाची क्लाथ कुल्लू से हैं और सीज़न में यहाँ पर ढाबा चलाते हैं। घाटी में बर्फबारी होने पर सबसे अंत में ये यहाँ से क्लोज करके जाते हैं, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई सैलानी, ट्रैकर या कोई और व्यक्ति यहाँ पर रहना गया हो। प्रशासन भी चाचा चाची को इन नेक कार्यों के लिए कई बार सम्मानित कर चुका है। देसी घी, देसी घी के साथ राजमा चावल। तो यहाँ पर भरपेट खाना खाने के बाद हम आगे चल पड़े। चंद्र नदी का ये पुल पार करके अब हम चढ़ेंगे कुंजुम पास की चढ़ाई। चढ़ाई के शुरुआत में सड़क तंग है, जहां एक समय में बस तो एक ही निकल पाएगी, इसलिए आगे से आती गाड़ियों को पास देने के लिए आगे पीछे होना ही पड़ता है, और गद्दियों के घोड़े भी मस्ती करते हुए आगे चल रहे हैं। फिर घोड़े तो शॉर्टकट लेकर ऊपर चढ़ गए और उनके मालिक बस में बैठ गए।
यहाँ अब लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया है। बारिश तो यहाँ नाम मात्र ही होती है, इसलिए इस कच्ची सड़क पर धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट में ये रोड जाता है चंद्रताल के लिए, जो कि यहाँ से आगे करीब 13 किलोमीटर दूर है। पिछले साल मनाली से चंद्रताल के लिए भी HRTC बस की शुरुआत की गई थी, मगर वो 4-5 दिन ही चली। इस साल उस बस के चलने के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। चंद्रताल जाने का डाइवर्जन वो नीचे रह गया और हम लगातार कुंजुम पास की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। एक एक करके हमें यहाँ पर 20 लूप चढ़ने हैं और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं कुंजुम पास की हाइट पर। ये है 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुंजुम पास, जो कि स्पीति घाटी को लाहौल के साथ जोड़ता है। पास के ठीक ऊपर कुंजुम माता का मंदिर है और माता के नाम पर ही इस पास का नाम कुंजुम पास रखा गया है। हमारी बस यहाँ मंदिर तक जाएगी और माता का आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे जाएंगे। इस रूट पर आने वाली बस यहाँ कुंजुम माता के दर्शन करने रुकती ही रुकती है। पास के टॉप पर तेज हवा चल रही है, हालांकि अच्छी धूप खिली हुई है तो ज्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा। फिर सबने यहाँ मंदिर में माथा टेका। यहाँ इस शिला पर सिक्के चिपकाने की भी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका सिक्का इस पे चिपक गया तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसको कैसे लगाते हैं? अगर आप बस से चंद्रताल जाना चाहते हो तो आप यहाँ कुंजुम पास पर उतर सकते हैं और यहाँ से 2-3 घंटे का डाउनवर्ड ट्रैक करके आप पहुँच जाएंगे चंद्रताल। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद फिर बस आगे चल पड़ी। आप कहाँ से आए जी? मंडी से। मंडी से अभी कहाँ जा रहे? दान लेके? अब काचा। काचा में रहेंगे अब? तो अभी माल लेके जो टॉप में रश। यहाँ ऊपर स्टॉप पे? हाँ, ले जा रहे। अच्छा, अभी सामान लेके आ रहे हैं? ना ना, जाना काचे से जाना। अच्छा, और लाना है? ये गद्दी लोग हैं जो हर साल अपनी भेड़ें लेकर इन घाटियों में आते हैं और सर्दियों से पहले पहले यहाँ से वापस चले जाते हैं।
अभी ये काजा जा रहे हैं और वहाँ से अपने खाने पीने का सामान लेकर कल वापस इन पहाड़ों में आएंगे। फिर परे को कहाँ निकलेंगे? दस परे से ये यहाँ बातले। अच्छा, बातल को आएंगे। मेरा बातल ये यहाँ का। अच्छा, मंडी कौन सी जगह से है? रोड से। अच्छा, चार घाटी। कुंजुम पास के बाद फिर शुरू हो जाती है उतराई और अब हम पहुंच गए हैं स्पीति घाटी में। कुंजुम पास से लगातार उतराई उतरने के बाद फिर यहाँ तकचा से शुरू हो जाता है पक्का रोड। करीब 70 किलोमीटर का ग्राम्फू से यहाँ तक का स्ट्रेच ही इस रोड का सबसे चैलेंजिंग स्ट्रेच है। अब इसके बाद रोड पक्का है और स्पीति घाटी की लगभग सभी सड़कें पक्की हैं। वैसे देखा जाए तो अब मनाली लेह रोड उतना टफ नहीं है, बस वहाँ हाई पासिस वाला एरिया थोड़ा मुश्किल रहता है, बाकी रोड तो ऑलमोस्ट पक्का ही है। लेकिन यहाँ मनाली काजा रोड का एक बड़ा स्ट्रेच कच्चा है जो इसको ज़्यादा टफ बनाता है। इसके बाद जल्दी ही हम पहुंच गए लोसर। यहाँ भी पुलिस पोस्ट पर एंट्री करवानी होती है। थोड़ा आगे चलने पर फिर लोसर में बस का टी ब्रेक होता है, तो यहाँ सरचू कैफे में सपने चाय पी। यहाँ पर 15-20 मिनट हम रुके और चाय नाश्ता करने के बाद ही आगे चल पड़े। काजा पहुंचने में अभी 1.5-2 घंटे का वक्त और लग जाएगा। लोसर इस तरफ से स्पीति घाटी का पहला गांव है और कोक्सर के बाद मोबाइल नेटवर्क भी यहीं पर आता है। केलोंग बस डिपो में बस के सफलतापूर्वक लोसर पहुंचने की जानकारी दे दी गई। अब कल से इस रूट पर कुल्लू से बस भेज दी जाएगी।
हंसा और क्याटो गांव से होते हुए फिर हम पहुंचे इस टर्न पर, जहां से ये सामने वाला रोड चेचम और किब्बर गांव के लिए जाता है। काजा से किब्बर जाने वाला रोड वैसे अलग है, पर अगर आपको मनाली से सीधा किब्बर जाना हो तो आप यहां से भी जा सकते हैं। यहाँ ये रोड एक तंग घाटी से होकर गुजरता है। यहाँ से एक बड़ा नाला आकर स्पीति नदी में मिलता है और उस नाले को पार करने के लिए घाटी के अंदर से जाकर पुल क्रॉस करके इस तरफ आना पड़ता है। और इस पॉइंट के बारे में एक दिलचस्प कहानी भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार एक महिला को इलाज के लिए कुल्लू ले जाना था और उस समय उसे किसी ट्रक में ले जाया जा रहा था और इस जगह पर आकर वो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस महिला की उस हादसे में मौत हो गई। फिर उसकी आत्मा इस जगह पर भटकती रही। सामने की उस चट्टान पर एक महिला की आकृति जैसी बनी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उस औरत की तस्वीर स्वयं ही यहाँ पर बन गई। कभी आप इस तरफ आओ तो इसे ज़रूर देखें। और यहाँ इसे देखने के लिए हमारी बस भी कुछ देर के लिए रुक गई। फिर जल्दी ही हम आगे चल पड़े। स्पीति घाटी की ज़मीन वैसे ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं है, मगर लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ सब्ज़ियाँ यहाँ पर उगाते हैं। और यहाँ स्पीति घाटी में अधिकतर घर पत्थर और मिट्टी से ही बनाए जाते हैं, जो कि ठंड में अंदर से गर्म रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों के मौसम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और टेम्परेचर तो माइनस में ही रहता है। और यहाँ पर सड़क को चौड़ा करने का काम भी शुरू हो गया है, तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही ग्रामफू तक का रोड BRO द्वारा ठीक बना दिया जाएगा। दूर।
ये आगे से आ गई रिकोंगपियो डिपो की काजा से लोसर तक चलने वाली लोकल बस। स्पीति घाटी के लगभग सभी गांव सड़क से जुड़ गए हैं और HRTC द्वारा यहां बस सर्विस भी प्रदान की जाती है। इस कुल्लू काजा बस को छोड़कर यहां की बाकी सारे रूट्स पर बसें रिकोंगपियो डिपो द्वारा ही चलाई जाती हैं। और सामने वो दिखाई दे रही है स्पीति की फेमस की मोनेस्ट्री, और अभी हम काजा भी पहुंचने ही वाले हैं। फिर इसके बाद हम पहुंचे रंगरी गांव में और यहां भी एक बड़ी सी मोनेस्ट्री है। इसके बाद अब सीधे काजा ही आएगा। यहाँ लेफ्ट से रोड की किब्बर और चेचम के लिए जाता है, जबकि हमें राइट में काजा की ओर मुड़ना है। फिर फाइनली शाम के 5 बजे हम पहुंच गए काजा। तो HRTC का मनाली काजा रूट का ट्रायल सफल हुआ और कल से ही इस रूट पर रेगुलर बस सर्विस शुरू हो जाएगी। कल कुल्लू से पहली बस यहां आएगी और ये बस सुबह 5 बजे काजा से कुल्लू जाएगी। डिटेल टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी किसी अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। सफल माने? बिल्कुल सफल भी। कल से गाड़ी चालू फिर? बिल्कुल चालू, कल से चालू। ठीक है, जैसे कल कुल्लू जाएगी सीधी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको काजा तक की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुल्लू मनाली से काजा की इस बस की पूरी जानकारी भी मिल गई होगी। मनाली से स्पीति आने के लिए ये बस काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि सड़क ऐसी है कि छोटी गाड़ियों का वेयर एंड टीयर बहुत होता है। वहीं बस एक सेफ़ ऑप्शन है और HRTC के अनुभवी चालक बड़ी ही सहजता के साथ यहां इस रूट पर सेवाएं देते हैं। अगर आप भी स्पीति घाटी घूमने का प्लान कर रहे हों तो इस बस को कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अब एक नई वीडियो में। धन्यवाद।